आज मौसम कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हैरी उठ जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। हैरी उठिए ना, सुबह हो गई है। इतने प्यार से उठाने के लिए शुक्रिया मित्सी। अरे शिनचैन तुम भी उठ जाओ ना बेटा। अब तो नींद खुल गई ना, अब चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। अरे ये क्या बेटा, तुमने बिस्तर गीला भी नहीं किया। आखिरकार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। सही बात बताऊँ तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से तुमने अचानक बहुत ही बढ़िया खाना बनाना शुरू कर दिया है। हैरी क्या आप सच कह रहे हैं? एक बार खाने बैठूं तो मन करता है कि खाना बस खाता ही जाऊं। आप बिना हैरी खामखा तारीफ करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए आपकी पॉकेट मनी। थैंक यू, इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। जल्दी वापस आना हैरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम से पहले वापस आ जाऊँ। मॉम सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या कहना है? एक नया खिलौना आया है, एक्शन काबिन का नया सेट है मॉम। नहीं 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 मॉम, आजकल आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ शिनचैन, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ये अंडा भी बहुत टेस्टी बनाया है, बस इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। अब ज्यादा बातें बनाना बंद करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस किसी भी वक्त आ सकती है, अब जाओ भी। ओके शिनचैन, शिनचैन। अरे आप लोग आ गए, शिनचैन तुम्हारी बस आ गई बेटा, जल्दी करो। अभी थोड़ी देर और लगेगी मॉम। क्या हुआ, शिनचैन तैयार नहीं है क्या? माफ कर दीजिए, आप लोग चलिए वो आ रही है। शिनचैन ये कोई अच्छी बात है? तुम रोज लेट हो जाते हो, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ता है। मॉम टॉयलेट का दरवाजा लॉक हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है शिनचैन। एक तुम्हें लॉक हो गया और आप मुझे डांट रही हो। तुम्हें वक्त पर तैयार हो जाना चाहिए, हर रोज स्कूल में लेट होना क्या अच्छी बात है? कल से लेट हुए तो पैदल ही स्कूल जाना, समझ गए तुम? पता है ना क्या करना है? इसे करने में मजा तो आता है पर बहुत ज्यादा थकान होती है। मुझे ड्राइंग पसंद नहीं। मेरे कजामा तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे कजामा तुमने ये क्या बनाया? मैंने घोड़ा बनाया है जो जंगल में खड़ा है और हरी हरी घास खा रहा है। क्यों शिनचैन, ये बहुत अलग लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे ये चल रहा हो। मेरी ड्राइंग तो सच में उल्टी डुलती है। अगर ये हिलती डुलती भी है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, तो कोई भी बना सकता है। अगर मेरे भी कुछ खास नहीं है, ये तारीफ नहीं है। वेलकम बैक मॉम। तो आ गए शिनचैन, मुझे भूख लगी है। क्या आप मार्केट जा रही हैं? हाँ मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, पर तुम्हें सामान उठाने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? जरूर मॉम, मेरे रहते आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं जानता था। मॉम मार्केट कब पहुँचेंगे? अरे जल्दी ही पहुँच जाएंगे बेटा, अगर तुम वहाँ पहुँचने से पहले ही थक जाओगे तो मेरी मदद कैसे करोगे? मॉम सीट पर बैठा लो ना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती शिनचैन, तुम देख नहीं रहे मेरे हाथ में क्या है, तुम्हें कैसे बैठाऊं? उसे मैं उठा लेता हूँ और आप मुझे अपने पीठ पर बैठा लीजिए, कैसा आइडिया है मॉम? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आ जाओ बेटा। लेकिन आप गिर तो नहीं जाएंगे ना मॉम? चुपचाप चलते रहो। अच्छा आइडिया इतना बुरा भी नहीं था, चुप रहो। पुराने जमाने में अब भी मजा आता है पाटू। आइए पकौड़े पकौड़े, सभी के लिए पकौड़े, फ्री में जाके पकौड़े, आपका स्वागत है। जो चीज फ्री मिलती है वो काफी टेस्टी होती है। से कितना दूर है, हमें बहुत सारे खा लेना चाहिए।